गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगी। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो अव्यय शब्द जो होते हैं क्रिया की विशेषता बताएंगे, उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण तो आप लोग जानते हो कि किसी के बारे में किसी की विशेषता बताना, जैसे कि वह काली बकरी है, तो बकरी कैसी है? काली है, है ना। तो क्रिया जो कार्य किया जा रहा है उसकी विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। एक तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीति के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसकी विशेषता बताना, ठीक है। एक काल के अनुसार यानी समय के अनुसार जो क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक के अंतर्गत जो जगह से संबंधित क्रिया विशेषण होता है, किस स्थान पर वह कार्य किया जा रहा है उसकी विशेषता बताया जाना, है ना। परिमाणवाचक यानी नापतौल वाला क्रिया विशेषण, कितना किया, कम किया या अधिक किया, उसके बारे में, है ना। तो ये हो गया रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या कहता है? जो अव्यय शब्द क्रिया के होने का पता बताते हैं कि क्रिया हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चींटियों का समूह धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें धीरे धीरे जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण है। चल रहा है जो उसकी विशेषता बता रहा है, चींटी कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे शब्द से क्रिया की रीति का पता चल रहा है। दूसरा होता है हम लोगों का काल वाचक विशेषण। काल यानी समयवाचक, जो क्रिया के होने के समय का पता बताते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये क्रिया इस समय हुआ है, ठीक है। तो जो प्रतिक्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहेंगे आज वर्षा हुई है, चाहे कल मोहन आया था, परसों मैं दिल्ली जाऊंगी, है ना। तो ये सब मैं समय का बता रही हूँ कि इस समय पर ये कार्य होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे कल वर्षा होगी, तो इसमें आज या कल क्रियापद जो है समय का बोध करा रहा है हमें, इसलिए यहाँ कालवाचक विशेषण होगा। तीसरा होता है स्थानवाचक विशेषण, यानी वो कार्य किस स्थान पे किस जगह पे हो रहा है, तो उसकी विशेषता जो बताएगा तो वहाँ पे क्या होगा? स्थानवाचक विशेषण होगा। जो अव्ययपद कार्य के करने के स्थान का बोध कराता है, यानी स्थान का पता चले, तो वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ जो है ये स्थान का बोध करा रहा है ना, ये शब्द स्थान का। वह काल लेकर उधर गया, नहीं वो उधर गया, तो काल लेके यानी वो जगह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसे बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे नीचे बिल्ली है छिपी हुई है, ऊपर पंखा चल रहा है, मेरे दाएं राम खड़ा है, बाएं सीता खड़ी है, जो भी हैं अंदर बहुत सारे खीर पड़ी है, चाहे बाहर लड़का खड़ा है, चाहे साथ या भीतर हम आपके साथ हैं, चाहे भीतर घर के भीतर, कोई भी एग्जांपल आप लोग अपने मन से बना सकते हो। तो ये स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। चौथा होता है हम लोगों का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण तो आप लोग जानते हो, नापतोल, है ना। तो जो अव्यय शब्द क्रिया के होने या करने के परिमाण का बोध कराता है, तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह बहुत रो रहा है, राम कम बोलता है, इसमें जो बहुत शब्द हैं या कम जो शब्द हैं ये जो हैं परिमाण का बोध करा रहा है। जैसे हम कहेंगे बाल्टी में बहुत पानी है, तो बहुत पानी, जैसे कहें गिलास में बहुत कम दूध है, तो दूध बहुत कम है, कम जो है, ये सब परिमाण का बोध करा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर परिमाण वाचक विशेषण होगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।